हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में आज आप सभी को केंद्रीय प्रवृत्त की माप यानी सांख्यिकी के समांतर माध्य से संबंधित सवाल को हल करना सिखाएंगे। जब आंकड़े वर्गीकृत हों यानी वर्ग अंतराल के रूप में दिए गए हैं, तब उनका समांतर माध्य कैसे ज्ञात किया जाएगा, इसको सिखाएंगे। यहाँ पर देखिए, हमारा सवाल दिया गया है, नीचे की सारणी में एक कक्षा के छात्रों के गणित के प्राप्तांक दिए गए हैं, तो इनका समांतर माध्य कैसे ज्ञात किया जाएगा। यहाँ देख रहे हैं आंकड़े वर्गीकृत हैं, तो 0 से 10 के बीच अंक पाने वाले 6 छात्र हैं, 10 और 20 के बीच अंक पाने वाले 10 छात्र हैं, 20 और 30 के बीच में अंक पाने वाले 9 छात्र हैं, 30 40 के बीच अंक पाने वाले 4 छात्र हैं, 40 और 50 अंकों के बीच 11 छात्र हैं जो 40 और 50 के बीच में अंक पाए हैं। तो इनका हम समांतर माध्य कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले हम एक टेबल बनाते हैं। इसमें यहां पर वर्ग अंतराल लिखेंगे, फिर यहां पर मध्यमान निकालेंगे, फिर बारंबारता, फिर मध्यमान गुणे बारंबारता। ये मध्यमान है, इसको हम यक्ष से रिप्रेजेंट करते हैं। यह यहां पर इन दोनों के योगफल माने उच्च सीमा 10 और निम्न सीमा दोनों के योगफल का आधा करते हैं, तो 10 का आधा 5 हो जाएगा यहां पर। फिर 20 और 30 को जोड़ेंगे, 20 30, 20 और 10 को जोड़ेंगे, 20 10 30, 30 का आधा करेंगे तो ये 15 आ जाएगा। फिर 30 और 20 को जोड़ेंगे, 30 20 50, 50 का आधा करेंगे तो ये 25 आ जाएगा। फिर 40 30 70 करेंगे, 70 का आधा फिर 35 आ जाएगा। फिर 50 40 90, 90 का आधा 45 ये हो जाएगा। तो ये मध्यमान हमारा आ जाता है। अब इसके बाद हम यहाँ पर बारंबारता हमारी दी गई है। अब इसके बाद हम मध्यमान में यहाँ एफ में यक्ष का गुणा करते हैं, मध्यमान गुणे बारंबारता या बारंबारता गुणे मध्यमान एक ही बात है। अब इसका हम यहाँ गुणा कर लेंगे, तो 6 में 5 का गुणा करेंगे, 6 पचे 30 हो जाएगा। फिर 15 में 10 से गुणा करेंगे, 15 दहाई 150 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 25 में 9 से गुणा करेंगे तो 25 नौया 225 होता है, यहाँ 225 लिख देंगे। फिर इसके बाद 35 में 4 से गुणा करेंगे, 4 पचे 20, 4 तीन 12, 2 14 हो जाएगा यहाँ पर। फिर इसके बाद 11 में 45 से गुणा करेंगे, 11 पचे 55 हो जाएगा, 11 चौक 44, 44 5 49 यहाँ पर लिख देंगे। तो इस तरीके से हमारा एफ एक्स आ गया। अब इन सभी को हम जोड़ लेते हैं। यहाँ पर जब हम जोड़ेंगे तो 5 5 10 की 0, यहाँ योग हमारा हो जाएगा योग। अब यहाँ एक कॉलम और हम बना देते हैं, यहाँ पर योग का कॉलम, इधर इस तरीके से हम एक कॉलम और बना देंगे। तो ये हमारा योग का योग हो जाएगा। तो अब इसको जोड़ेंगे तो 5 5 10 की 0 हो जाएगा, और 9 4 13, 1 14, 2 16, 16 5 21, 21 3 1 24 हो जाएगा ये। और हासिल 2 है, 4 2 6, 1 7 2 9, 1 10, यहाँ पर 10 हो गया हमारा, 1040 इसका योगफल आ गया। अब जब आंकड़े वर्गीकृत हों तब समांतर माध्य का सूत्र होता है समांतर माध्य। समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स। अब इस ये जो हम जोड़े हैं यही हमारा सिग्मा एफ एक्स है, माने सम ऑफ एफ एक्स, सबका जोड़ सिग्मा एफ एक्स बटे एन। यन जो है ये सिग्मा एफ के बराबर है, यहाँ पर जो बारंबारताओं का योग है यही सिग्मा एफ है, उसी को यन कहते हैं। तो आइए इसको भी जोड़ लेते हैं, तो 6 10 16, 16 9, 25 25 4 29, 31 10 40 ये हो गया हमारा, यानी सिग्मा एफ या यन बराबर 40। अब हम इसी में मान रख देते हैं, आइए इसमें मान रख देते हैं। अब हम सिग्मा एफ एक्स का मान आया हमारा 1040 और सिग्मा एफ यानी एन का मान है 40। अब इसको इससे काट देंगे, आइए इसको काट देते हैं, ये कट गया, 4 2 8 हो गया, और 2 10 4 6 24, यानी ये हमारा आ गया 26। और 26 अंक यही आंसर होगा, और यही जो दिए गए अंक हैं उनका समांतर माध्य होगा। आशा करता हूं कि इस तरीके के सवाल जब आंकड़े वर्गीकृत हों तब उनका समांतर माध्य कैसे ज्ञात किया जाएगा आप सभी समझ गए होंगे। तो आज बस इतना ही, हमसे जुड़े रहिए, इसी तरह के सवाल हम आप सभी को देते रहेंगे। तो और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ इसी तरह के सवालों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।